हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस आ गया हूँ। 5 से 6 दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा कैमरा पिछला जो है वो खराब हो गया था और अब मैंने न्यू कैमरा लिया है। और आपने कमेंट में लास्ट भी बताना है इस कैमरे की और क्वालिटी और वॉइस कैसी है। तो आप आज इतने दिनों बाद लेट करूँ ना तो बोलने में थोड़ा मसला हो रहा है। तो उसके लिए यार आप लोगों ने माइंड नहीं करना और सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ना। तो आज चेक करने लगे हैं इस मुझे एपिसोड 18 पे। और जैसे कि पिछले एपिसोड में कुछ देखा था लेकिन रिलेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैंने कहा चलो लेकिन कुछ थोड़े तो उसके रिलेक्ट करते हैं। आप लोगों की काफी डिमांड आ रही थी तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी एपिसोड 18 तो हाईलाइट को देखते हैं, फिर आपको अपना रिएक्शन देते हैं। सो हे स्टार्ट। बॉक्स सर क्या लिख रहे कम ऑन बॉक्स यू विल डू इट। कॉलम लिख रहा हूं, उनवान है मकरूज मुल्क के अमीर लोग। वो क्या होता है सर? होता नहीं, होते हैं ये, वो हैं जो हमारा मुल्क चलाते हैं। सर वो आप और मेरे जैसे होते होंगे। हो ही ना जाए हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे होते होंगे फसल बख्श। हम हर सूट के साथ ब्रांडेड जूती अफोर्ड नहीं कर सकते। फजल बख्श, कभी तुमने ऐसे लोगों के घरों में अंदर जाके देखा है कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, मतलब रहते कैसे? सर कभी इनवाइट तो किया नहीं है मुझे, इसलिए मैं कभी गया नहीं हूँ। हाँ मगर इनके घर मैंने बाहर से देखे। कभी गए तो तुम्हें बोलता पता चल जाएगा कि हमारा मुल्क मकरूज क्यों है। सर आप देखना, जिस दिन मैं पावर में आया ना मैं सब बदल दूंगा। अच्छा हाँ सर। आए ना जाओ तुम पावर में आएगा। सर सर इनको पूरी छूट है बोलने की, लेकिन सर ये गरीब आवाम हमारे बीच में क्यों कह रही है? अरे नहीं भाई, ना ना ना, आवाम को कुछ नहीं कहना सॉरी फजल सर, बख्श, सॉरी सर, ऐसी आवाम मजाक को थी कुछ सर। नहीं कहना। जी सर, लेकिन देखो, 75 बरस होने को आ गए फजल बख्श, वही आवाम, वही इस्तेहसाल, वही कर्जे, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। सही कह रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद सर। ये क्या नारे लगा रहे? सब कुछ वैसे का वैसा ही है। जाने वफा, मेरा प्यार खा जाने वफा।
ठीक है। वो सुकैना ने कहा था तुम्हारी तबीयत खराब है, तो जब कोई बीमार होता है उसके लिए फूल आते हैं। तबीयत तो ठीक है मेरी, बीमार तो नहीं हूं। हाँ, तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा तुम बीमार हो। मैं बस ऐसे ही लेकर आ गया। हाँ हाँ हम बीमार है, बीमार है दे मेरे। हाँ, देखो देखो देखो, फ्रेश। फ्रेश ये क्या चल रहा है? मैंने कहा शायद पोस्ट करेगा, लेकिन भूख लगी हुई है मुझे, घर में कुछ अच्छा है नहीं खाने को। कहाँ अरे तो चलते ना बाहर, जहां बोलो। अरे जाएंगे? जहां तुम बोलो, पूरा इंतजाम है आज। गरीब का ढाबा, गाड़ी है? हाँ, तो उससे लिख रहा हूं। ओ, तो पूरा इंतजाम करके आए हो। अरे जाओ, मैं नहीं जाती। सुनो, हाँ, एक बात मान सकते हो, खाने पे जा सकते हो। यही तो कह रहा हूं, चलते हैं ना। प्लीज ये एक्सेप्ट कर लो, बहुत दिल से लाया हूं तुम्हारे लिए, सच्ची में। वैसे इससे बड़ा बुके नहीं मिला था? हाँ, मगर तुम कहो तो मैं लेकर आ सकता हूं। ओके। ठीक लग रहे हो, सो सो। अच्छा सो सो, तूने शामिल को नहीं देखा अभी। ये बात बताया करती थी कि इंसान की जिंदगी में अच्छा और बुरा वक्त एक उस्ताद बनकर आता है। अच्छा, बुरा वक्त आता है ना आपकी जिंदगी में, आपको अपनी जिंदगी एक चमकते सूरज की तरह समझनी चाहिए कि अगर डूब भी जाए, आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि अगले दिन फिर सर उठा के निकलेगा। अच्छा, आप ऐसा सोचते हो ना, तो आप हिम्मत नहीं हारते। काफी सालों बाद यहाँ पर आया हूँ, से अम्मा की बात याद आ गई थी। अम्मा कल पापी ने मुझे बहुत डिफरेंट लगते हुए तुम कहा नहीं है, तुम वही पजल बख्श हो जो अब्बा के दफ्तर में काम करता है, एक क्लर्क है। अच्छा, शुक्रिया। कौन हो तुम? कौन हो तुम? राज की बात बताऊं, आने वाले वक्त का वजीर आजम। अच्छा, सच बता दिया भाई। नेस्ले पाकिस्तान में पेपर स्ट्रॉ इंट्रोड्यूस कराने वाली पहली कंपनी है। हंस रही हो? सच सर बता बता रहा हूँ। भी यकीन नहीं करेगी अब वो भाई, कोई और बताएगा तब यकीन करेगी। फसल पक्ष में चाहती हूँ तुम तरक्की करो, मैं मदद करूंगी तुम्हारे। सारी जिंदगी क्लर्क ही रहना है? वो नहीं, हेड क्लर्क तो मैं अगले 3 महीने बन जाऊंगा, मसला नहीं। वो कैसे? अच्छा, जो हेड क्लर्क तो मरने वाला था, उसने जवाब दिया तो मेरी बारी आई है। अब लग रहा है ना फसल पक्ष से बात करती। वाह, बहुत बटा खाओगी? ज्यादा बोलो। मुझे पानी में जाना है, पानी में जाना है। अच्छा, जाओ, मैं तुम्हारी फोटो ले लेता हूँ यहाँ से बैठ के। तुम भी साथ चलो ना मेरे।
मुझे पानी से डर लगता है। डर लगता है तुम्हें? हाँ, बचपन से। चल हमारा डर खत्म करते हैं। मेरी बताओ तो सही, मैंने किया क्या है? तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। ये क्या हो रहा है? झूठ बोला है मुझसे। बताओ कौन है वो लड़की? अगर मैं बताऊंगा तो तुम यकीन कर लोगी? बताने लगा है यार ये तो। कसम से भी थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे मुझे कॉलेज की एक पुरानी दोस्त मिली थी, मैं उसके साथ डिनर नहीं लंच में चला गया था, उसके बाद कॉफी एक बार, इससे ज्यादा मैं। इडियट, तुम्हारी बात नहीं कर रही, शामिर की बात कर रही हूँ। शामिर? ये शामिर की आप गलत आदमी पकड़ के ले आए। ये शामिर की बात कर रही है, अब शामिर को पकड़िए जाके। ओके। सही पागल बना रहा है यार। मुझे पता था। आई न्यू इट कि तुम इतनी आसानी से अपने मुंह से बकोगे तो नहीं। काजिम? जी मैडम। ये क्या हो रहा है? जब मैं इसको कहती हूँ ना कि शूट करो, ये कर देता है, सोचता नहीं है। तो अभी आपने कहा नहीं है? हाँ अभी कहा नहीं है काजिम भाई, अभी नहीं कहा। हम दो मोहजब लोग आपस में बात कर रहे हैं, अभी मोहजब आदमी। आप जाए, आप जाइए, अभी नहीं कहा है। ठीक है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, आप बात करो, बात करो। एक तो ये फंसता बहुत है, ये फंसता है। बुलाया तुमने मुझे? आ जाओ। आपको से नैन बटका और आ गया। क्या बात की सुकैना से? क्या बात की है सुकैना से? कैसी बात? क्या थे? नहीं, मैंने तो उसको बस इतना कहा है कि मैं अपनी जिंदगी पे फोकस करना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, और अब गांव की जिंदगी छोड़ के शहर वाला एक इंसान बन के अपने लाइफ पे फोकस करना चाहता हूँ, और बस यही बात कर रहा था उससे। और मोहब्बत करते हो? अच्छा, हाँ बोले, हाँ बोले, हाँ यार तू तक डका रहा। हाँ ना ना ना, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तो मैं सुकैना ने ये बोला कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ।
नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसी मजाक कर रही होगी। मैं क्यों ऐसी बात करूंगा, मैं तो ऐसी कुछ और बात कर रहा था। मैं उसको वाकई में बता रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में वो करना चाहता हूँ। यार नूर बटा रही कसम यार, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैं तो ऐसी कोई बात बोली नहीं है, ऐसे मजाक क्या होगा, मैंने तो कुछ। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता। अरे कहने कहने की बात क्या, मैं तो उसे कोई ऐसी थोड़ी बात करूंगा, मैं तो उसे कुछ। क्या मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगा तुम्हें? थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा। सेटिंग फाइनली सेटिंग हो गई है, हो गई है ना। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े, तुझसे पिया पागल जा जोगी मुझको क्या हो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा तेरी ही खातिर सो जनम चाहे हो जो भला ना, मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो किया तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दू, फाइनली फाइनली हमने वो सीन देख ही लिया है जिसका इंतजार था बेसब्री से कि कब प्रपोज करेगा, तो वो प्रपोज कर ही दिया है और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और ये पीछे आवाज आ रही है फायरिंग, इसको इग्नोर करना यार, वो जल से हमारे यहाँ पे नंदी का, तो वो जरा सा उसकी आवाज आ रही है, आतिशबाजी और फायरिंग वगैरह हो रही है। तो बाकी है कि ड्रामे में तो यार जिस सीन का इंतजार था वो हो गया है, गुजर गया है, और बहुत ही और फजल बख्श के जो आंसू थे तो वही नहीं रुक रहे थे, तो आंसू नहीं लेकिन खुशी के आंसू, खुशी से इसके आंसू निकल रहे थे इसकी आईज से। और बाकी बहुत मजे की थी एपिसोड, बहुत अच्छा था, बहुत मजे का लगा मुझे तो। और एक सीन वो भी था कि इसके दोस्त ने सच बोल दिया यार, वो बोलने लगा है, अभी बोला नहीं है लेकिन बोल दिया होगा मेरा ख्याल है, जैसे कि वो डर गया था बंदूक से, तो मैंने कहा दोस्त है दोस्त, दोस्त की बात मार के भी नहीं बताता लेकिन इससे बता दिया। और तो ये बहुत बुरा सीन था एक, और अब इससे पता नहीं इसको सच पता लगेगा या क्या करेगी वो लड़की, क्या करती है इसके गुस्से में आके, कुछ आइडिया नहीं है लेकिन ये है कि देखते हैं क्या होता है। ऊपर से उसकी माँ और उसकी बहन भी साथ होती है फजल बख्श के, तो बाप को खाली अब मनाना रह गया है बाकी। और एक सच का मसला जो वो सच बताएगा, तो वो सच का बहुत इशू है, जब वो सच बताएगा तो क्या सीन होगा, अब ये एक टेंशन रहेगी ड्रामे में, बाकी सब कुछ क्लियर है और बाकी सारे रास्ता साफ है। तो अब उसे मान लीजिएगा, लेकिन जो सच वाली बात है ना कि शमीर वाले जब राज खुलेगा ना तब जो होगा ना, मैं तो कभी ये खुद बता दे बेहतर है, ये ना हो गया वो जो दूसरी लड़की है वो उसे ना बता दे, तो बहुत ही बुरा सीन होने वाला है। तो वीडियो बहुत लंबी होगी आज के लिए, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप लोग नेटफ्लिक्स की सीरीज देखना चाहती हैं, और सॉरी नेटफ्लिक्स में जो सीरीज हैं जैसे मनी हाइस्ट होगी और लूसीफर होगी, अगर आप उनकी मेरा रिएक्शन देखना चाहती हैं तो नीचे कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर लाजमी कर देना। और बता रहा हूँ कि ये चैनल बहुत उठने वाला है, बहुत तरक्की करने वाला है, और आपको इसमें हर किस्म का कंटेंट मिलेगा रिएक्शन में, हर कंटेंट में रिएक्शन मिलेगा, तो आप ले सकते हैं लाइक शेयर नहीं, सॉरी मैं खुशी से पागल हो गई हूँ, ये तो ये शोर है ना बात से, तो इसलिए मैं सही बोल नहीं पा रहा, तो सब्सक्राइब लाइक शेयर लाजमी करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।